एक काला सच जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, किस तरीके से बड़े से बड़े यूट्यूबर जो अपना अड्डा जमाए बैठे हैं और हम जैसे ऑडियंस को, हम जैसे जैसे छोटे यूट्यूबर को लूट रहे हैं, जो यूट्यूब के गुरु यूट्यूब के बाबा बने बैठे, हालांकि उनको यहां तक नहीं पता कि फिर भी हमें वो ज्ञान देने बैठे हुए हैं, हम जैसे ऑडियंस को किस तरीके से लूट रहे हैं, ये मैं आज बताने जा रहा हूँ। चलो बनिए मेरे साथ, बने रहिए ताकि आपको भी पता चले किस तरीके से हम लोगों को लूट रहे हैं, किस तरीके से हम लोगों को लूट रहे हैं बड़े से बड़े यूट्यूबर, ताकि हम जैसे ऑडियंस, छोटे से छोटे ऑडियंस, उन लोगों की वीडियो देख के हम भी उनके तरीके से करें। लेकिन हमारा वीडियो कभी वायरल नहीं होता, हमारा चैनल डेड हो जाता है। तो ये काला सच क्या है, किस तरीके से हमें लूट रहे हैं, यही वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए बनिए मेरे साथ रहिए, इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि ये लोग क्या कर रहे हैं हम जैसे यूट्यूबर के साथ, हम जैसे ऑडियंस के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये चीज ऑडियो वीडियो अच्छा लगा, सॉरी वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करना, अपने पता चले कि किस तरीके से बड़े यूट्यूबर हम लोगों को पागल बना रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में आता है मनोज दे। सबसे पहले दिमाग में जो आता है हम लोगों के मनोज दे। मनोज दे क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने चैनल स्टार्ट किया, क्या उनको पता था, क्या मुझे ये बताए, क्या उनको पता था कि किस तरीके से सब्सक्राइबर बनाना है, किस तरीके से ऑडियंस ये करना है? नहीं, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया। क्या उन्होंने कभी बाय किया था सब्सक्राइब, कभी उन्होंने सब्सक्राइबर बाय किया था? नहीं, उन्होंने उनको जब प्रमोशन का पैसा जो मिलता है, उस वजह से हम लोगों को बताते हैं कि सब्सक्राइबर बाय कीजिए, ताकि हम लोग उनके सब्सक्राइबर बाय करके, वो डेड सब्सक्राइबर होते हैं, कभी वो एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं होते, वो डेड सब्सक्राइबर होते हैं। क्या उन्होंने कभी बाय किया था आपने, आप उनके चैनल पे सब्सक्राइबर? नहीं, उनका भी दो चैनल डिलीट होने के बाद अब ये जो मनोज दे करके चैनल है उसको उन्होंने खड़ा किया, मेहनत किया। मेहनत के दम पर हर चीज़ होती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ये दिमाग में याद रखिए। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारा चैनल ग्रो नहीं होगा, तब तक हमारा चैनल ग्रो कभी नहीं होगा। हम मेहनत करना हमें ज़रूरी है, हमें मेहनत करना है, हमें मेहनत करके अपने दम पे अपना चैनल खड़ा करना है। मनोज दे ने जब चैनल स्टार्ट किया, उनका चैनल भी दो चैनल डिलीट होने के बाद तीसरा चैनल उन्होंने खड़ा किया। तो हम लोगों को क्या कहते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ऐप का प्रमोशन करते हैं, उनको तो लाखों लाखों रुपये मिल रहे हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि ऐप, इस ऐप को डाउनलोड करो, हमें डेली अर्निंग होगी। कभी उन्होंने ये चीज़ किया है? नहीं किया। उनको तो पैसा ऑलरेडी प्रमोशन का मिल रहा है। आप लोग, हम लोग क्यों नहीं समझते हैं कि इन बड़े से बड़े यूट्यूबर के चक्रों में पड़ के हमारा यूट्यूब हम डेड कर रहे हैं, हम क्यों नहीं समझते? टेक चैंपियन अंश मौर्या जो बाबा बने हुए बैठे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्टिंग में ही उन्होंने क्या किया कि अपना प्रमोशन के लिए लोगों को दो या तीन मोबाइल दे दिया। उसके बाद उनका कोई वीडियो नहीं आया मोबाइल देने का, कभी वीडियो आपने देखा है? नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जरिए ऑडियंस का दिल जीत लें। तीन मोबाइल देने के बाद ऑडियंस का दिल जीत ले, उनका भी चैनल डिलीट होने के बाद ही उन्होंने दूसरा चैनल जैसे ही वो खड़ा किया तो उन्होंने भी बड़े से बड़े यूट्यूबर को जाके कॉलअप किया, उनसे मिला, उनको मिलके वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद जाके उनकी ऑडियंस यहाँ पे आई और वो ऑडियंस उनको देखने स्टार्ट की। और उसके बाद उन्होंने के थोड़ा सा ऑडियंस बढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, लोगों को मोबाइल देने का एकजुटा दिलासा दिया। लेकिन तीन या चार मोबाइल तो दे दिया उन्होंने, उनको तो फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो तो उससे ज़्यादा कमाएंगे ना, वो तो उससे ज़्यादा कमाएंगे। मोबाइल तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जब भी उनको कुछ प्रमोशन मिलता है तो प्रमोशन में क्या होता है, उनको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख और डिमांड करते हैं तो उनको मिल जाता है पेमेंट। उससे अगर किसी को मोबाइल भी दे दिया या किसी को बाइक भी दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, हम जैसे लोग देखने वाले हैं, हम जैसे लोग जो देख रहे हैं इन सब की वीडियो, हम इससे सबसे बड़े पागल हैं। अपने माइंड कभी नहीं बगाते, आप नहीं सोचते कि ये लोग क्या कर रहे हैं हम लोगों के साथ। एक बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको,
ये लाइव में आते हैं, कहते हैं कि 200 सब्सक्राइबर आपको फ्री मिले, कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा यूट्यूबर कोई भी हो, लाइव में आते हैं और कहते हैं कि 200 सब्सक्राइबर फ्री मिलेगा, लेकिन इसमें उनका ही फायदा है, हमारा फायदा नहीं है। अब जब भी मैसेज करते हो, क्या मैसेज कभी भी कोई रीड करता है? खुद मैं एक्चुअली अगर लाइव में आऊँ तो मुझे इतनी, अगर मैं खुद अगर आपके सामने लाइव आता हूँ और आप लोग मैसेज करेंगे, मेरी ऑडियंस बढ़ेंगे, तो क्या मुझे आपका मैसेज नज़र आएगा? नहीं आएगा। तो इसी तरह आप लोग क्या करते हैं, उनको सुपर टैग देते हैं, इसी तरह उनको पेमेंट करते हैं 40, 50, 100, तो इसमें उनका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं है। कुछ देर वहाँ पर रह जाता है, उसके बाद वहाँ पर चला जाता है, और ये कहते हैं कि 200 सब्सक्राइबर फ्री मिलेगा। उन्होंने क्या किया, ये भी एक फंडा है, जो भी लाइव आते हैं कहते हैं कि 100 सब्सक्राइब मिलेगा, 1000 सब्सक्राइब मिलता है। अरे यार, आप खुद सोचो, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो 200 सब्सक्राइबर कैसे मिलेंगे, ये बताओ मुझे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि 200 सब्सक्राइबर आपको जो कमेंट करते हैं, जो लाइव में आते हैं, तो बताते हैं कि 200 सब्सक्राइबर मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? क्योंकि हम खुद किसी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हम खुद किसी के चैनल को नहीं देते। यहाँ पे देखो, मेरे 57 सब्सक्राइबर है, मेरे खुद चैनल पे कोई सब्सक्राइब नहीं करता, तो मैं, मुझे बताओ कि किस तरीके से सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये मुझे बताओ, किस तरीके से सब्सक्राइबर हो जाएंगे यार, किस तरीके से सब्सक्राइबर मिलेंगे? तो बस इसमें इन्हीं का फायदा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों को सीधा सीधा हम सुपर टैग या कुछ भी पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद इसमें क्या, उन्हीं का फायदा होता है ना, चाहे यूट्यूब कुछ भी रख ले, लेकिन फायदा तो उन्हीं का हो गया। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग उनको कह दिया और सुपर टैग भेज दिया, 500 या 1000 हो या 200 या कुछ भी हो, भेज दिया उनको, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उससे 200 या 300 रुपये उसमें 100 रुपीज़ वो खर्च करते हैं। खर्च करने के बाद वो सीधा सीधा वेबसाइट के जरिए आपको 200 सब्सक्राइबर दे देते हैं। देने के बाद तो वो सब्सक्राइबर डेड हो गया यार। अगर मरा हुआ कोई इंसान होता है तो क्या कभी मरा हुआ इंसान बात करता है, या मरा हुआ इंसान कभी लोगों को देख सकता है? नहीं ना। इसी तरह ये जो यूट्यूब का जो है, हम अपने चैनल को खुद डेड करते हैं, अपने दम पे काम करना नहीं चाहते, हम प्रमोशन के पीछे भागते हैं, हम सब्सक्राइबर बाई करने के पीछे भागते हैं। क्या सब्सक्राइबर बाय करने से ये चीज़ मिल जाती है? हमें नहीं मिलती यार। तो इसी तरह समझो, अपने दिमाग को भगाओ, तभी जाके आप इम्प्रूवमेंट होगे, हमारा चैनल ग्रो होगा, इन सब चक्रों में मत पड़िए। और दूसरा एक तीसरा सेट मैं बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ें ये लोग प्रमोशन करते हैं, बड़े से बड़े ऐप प्रमोशन करते हैं, गेमिंग ऐप का, इसी तरह अलग अलग ऐप का, लेकिन यहाँ से कुछ उनको आदमी होती है, सिर्फ कंपनी का तो प्रमोशन हो गया, जो प्रमोशन कर रहे उनको तो पैसा मिल गया, लेकिन हम जैसे लोग जो है ना, हमें तो स्टार्टिंग में आस हो जाती है कि अरे पैसा मिल रहा है, फिर हम दोबारा पैसा डालते हैं कि फिर कुछ मिलेगा, बस कंपनी बंद हो जाएगी, हमें लॉस हो जाएगा और हमें मिलना कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पे मिलेगा ज़ीरो। तो इन सब चक्रों में मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ मत पढ़ो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि आपको भी पता चले इस बड़े से बड़े यूट्यूबर हम लोगों के साथ किस तरीके से पागल बना रहे हैं। अरे कभी जाके आप सोचे हैं कि कभी जाके उन लोगों ने जो बताया उस तरीके से हम चले हैं तो क्या हमारा वीडियो कभी सक्सेस हुआ है? नहीं, बस वो तो अंदाजे में बता देंगे, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो तो हो जाएगा। अरे होना नहीं होना हमारा किस्मत की बात है, हमारे पब्लिक जो हमें अगर चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली, पब्लिक अगर हमें चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ेंगे, हमारे चैनल पर व्यूज आएंगे, और इसमें किसी के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। जब पब्लिक खुद ब खुद अगर चालाक होगी ना, पागल नहीं बनेगी ना, तब जाके ऑटोमेटिकली हमारी वीडियो वायरल होने लगेगी, हमें भी लोग छाने लगेंगे। एक चीज़ होता है यूट्यूब का फंडा, एक चीज़ होता है किसी के चक्रों में मत पड़िए मेरे दोस्तों। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो ये लोग बताते हैं, जो भी हो बताते हैं, उसको फॉलो कीजिए, उस चीज़ को कीजिए जो सब्सक्राइबर बाई करने के बारे में होता है बताते हैं, जिस तरीके से ऐप के बारे में बताते हैं, अर्निंग ऐप हो कुछ भी हो बताते हैं, इन सब चीज़ों से प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, ताकि आपका भी पैसा बचे, आप भी दिमाग से काम करने लगे, आप भी मेहनत करने लगे। कभी आपने पूछा है कि चाहे टैग चैंपियन हो या मनोज देव हो या इसी तरह योगी सर हो या कोई भी हो, कभी आज तक उन्होंने कभी अपना सब्सक्राइबर बाई किया है? किसी से भी हो सब्सक्राइबर नहीं, उन्होंने खुद अपने दम से काम किया, तो हम कौन सी बड़ी चीज़ है? मुझे ये बताया, हम कौन सी बड़ी चीज़ है कि आप में हिम्मत नहीं है, आप में दम नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, आप आगे काम नहीं कर सकते क्या? आप अपनी हिम्मत से मेहनत से आगे बढ़ नहीं सकते? यहाँ से एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मनोज दे खुद
उन्होंने अपने घर वालों को तक नहीं बताया तो सब्सक्राइब करने की तो दूर की बात है, सब्सक्राइब बाई करने की तो दूर की बात है, उन्होंने अपने घर वालों को तक नहीं बताया कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। तब जाके जब वो फेमस होने लगे, वायरल होने लगे, तब जाके तो पता चला उनको, उनके घर वालों को। तो यही चीज़ होती है यार, प्लीज़ इन सब बड़े 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 यूट्यूबर के चक्रों में पड़ने से अच्छा है अपने दम से काम कीजिए, अपने मेहनत से काम कीजिए, अपने दिमाग से काम कीजिए, तभी जाके आप सक्सेस हो जाओगे। यही एक मेरा छोटा सा वीडियो था, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।